जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हैं उसे गम नहीं। तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ, गम छुपा के हंसने वाले भी कम नहीं, गम छुपा के हंसने वाले भी कम नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग बातें करने वाले हैं शिवानी कुमारी के बारे में, और जैसा कि आप लोग भी जान रहे होंगे, शिवानी कुमारी एक उत्तर प्रदेश की एक छोटी से गांव की रहने वाली एक लड़की थी, जो कि बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म तक का सफ़र की थी, और उम्मीद था दर्शकों को कि वह कुछ ना कुछ ज़रूर करती, लेकिन लेकिन हो गया, लेकिन साजिश के तहत उसे बिग बॉस से बाहर कर दिया गया। और यह जान करके लाखों करोड़ों दर्शकों को बहुत ही निराशा का सामना करना पड़ा। बहुत लोग निराश हुए जब अनिल कपूर ने बोला कि आप बिग बॉस से घर से बाहर चले जाएं। तो यह सुनकर शिवानी कुमारी की आंखों में आंसू थे, और वह आंसू देख करके तमाम दर्शकों को भी बहुत निराशा हुआ। क्या उमेश, खराब शिवानी कुमारी को जिस तरह से बाहर निकाला गया, आपको कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है, और सभी को खराब लगेगा ही, क्योंकि एक छोटी सी गांव से निकलकर और कुछ करना चाह रही थी, क्योंकि शिवानी कुमारी के अंदर बहुत टैलेंट था, और टैलेंट के बल पर ही वह बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म में गई थी, और कुछ वो करना चाह रही थी। और कहते हैं ना कि छोटे जो लोग होते हैं जिनके अंदर प्रतिभा होता है, तो कहीं ना कहीं प्रतिभा को दबाने का प्रयास किया गया है, तो ये नहीं होना चाहिए था। और इस तरह से अगर होगा तो मान के चलिए कि जिसके अंदर प्रतिभा है, गुण है, तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा? क्या उम्मीद, सही बोल रहे हैं ना? तो यही बात है दोस्तों, बहुत दुख लगा यह सुन करके, क्योंकि वो बहुत ही मतलब प्रतिभावान लड़की थी, कुछ आगे ज़रूर कुछ करती और अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करती, लेकिन बीच में ही बिग बॉस को छोड़कर जाना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों इधर का नज़ारा, अभी हम लोग इधर घूमने आए हुए हैं, और सोचे कि चलिए इस मुद्दे पर हम लोग बातें कर लें। तो और क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से मान के चलिए कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो अब क्या कहना चाहेंगे? और लोगों के साथ ऐसा हो नहीं, न, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की चीज़ और लोगों के साथ भी हो। हम लोग यही दुआ करेंगे कि उनके साथ जो हुआ है वो ना हो, और उनको इंसाफ मिले। क्या हम लोग सभी लोग मतलब उम्मीद लग जगाए हुए थे कि बहुत कुछ आगे करती बढ़ती, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगता, क्योंकि हम लोग भी गांव देहात से हैं, तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ती तो हम लोग को भी अंदर से बहुत खुशी महसूस होता। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा। फिलहाल देख सकते हैं इधर से छोटा सा एक कियारी है, जो कि JCB से कोड़ा गया था, बरसात के कारण यह पूरी तरह से भरा हुआ नज़र आ रहा है, और चूँकि अभी कुछ दिनों से वर्षा नहीं हुआ है, अगर लगातार वर्षा होता तो ये जो कियारी जो दिख रहा है पूरा भरा हुआ होता। फिलहाल हम लोग के तरफ जो खेतों में जो फसल है, धान के धान तैयार हो चुके हैं, लेकिन वर्षा नहीं हो रहा है, तो बहुत सारा समस्या है दोस्तों गांव देहात में, और दुख इस बात का भी है। अभी जो घटना हम लोग सुने न्यूज़ के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से शिवानी कुमारी के बारे में, तो यह जानकर हम लोग को और भी दुख लग रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यही कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको इंसाफ मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिलहाल देखिए दोस्तों इधर का पूरा रंग वातावरण पूरा हरा भरा है, पूरा देखिए पलाश के पेड़ है, पौधे हैं सॉरी, तो इधर देखिए पूरा मस्त लोकेशन है इधर का। ठीक है दोस्तों, वीडियो को बढ़ाना करते हुए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त देते हैं।